हेलो गाइज, मैं ओम प्रकाश। आज का जो मेरा वीडियो होने वाला है एक ड्रायर मशीन के ऊपर होने वाला है दोस्तों। इसे हम कैसे बनाए हैं हम पूरी के पूरी एक्सप्लेन करेंगे दोस्तों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। उसके बाद हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये है मोटर और ये है इसकी स्टैंड और ये जो दिख रहा है ये है इसकी फ्रेम। देखिए ये पुली है, जो रेड वाला दिख रहा है ये पुली है, मोटर के शाफ्ट में कनेक्ट होगा। देखिए हम करके सेट करके दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, हम इस पुली को मोटर के शाफ्ट से हम कनेक्ट कर चुके हैं। अब हम इसे देखिए रोटेट करवा रहे हैं। देखिए रोटेट हो गया। और ये रहा इसका जाली जो कि हम इसके अंदर डालने वाले हैं। देखिए ये जो जाली है इसके अंदर हम डाल चुके हैं और ये देखिए रोटेट भी हो रहा है। तो गाइस ये जो दिख रहा है ये जो बहुत ही बड़ा जाली बन गया था तो हम इस जाली को शॉर्ट कर दिए हैं। थोड़ा जाली हम काट चुके हैं दोस्तों, ताकि बड़ा जाली रहता था तो इसमें वाइब्रेशन बहुत अधिक था। अगर किसी भी चीज़ में एक्स्ट्रा वाइल हो या वाटर हो तो हम इस मशीन के थ्रू हम एक्स्ट्रा वाइल या वाटर को हम निकाल सकते हैं दोस्तों। अगर भीगा हुआ कपड़ा है तो इसके अंदर डाल देंगे और इसे जब रोटेट करवाएंगे हाई आरपीएम पे तो गाइस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगने के कारण जितना भी वाटर होगा या वाइल होगा इस जाली जो छोटा छोटा होल दिख रहा है इससे इस होल के थ्रू बाहर निकल जाएगा दोस्तों। और वो जो पूरी तरीक़े से वो ड्राई हो जाएगा यानी कि सूख जाएगा दोस्तों। तो आप लोग सभी सोच रहे होंगे कि इस ड्रम का क्या उपयोग है। ये जो मशीन है हम इस ड्रम के अंदर सेट करने वाले हैं ताकि इसका जो जाली से एक्स्ट्रा वाइल बाहर होगा तो इस ड्रम में स्टोर होगा दोस्तों। तो आइए हम इसे सेट करके दिखाते हैं कि ये पूरी मशीन को हम कैसे सेट करेंगे। फाइनली गाइस, सबसे पहले हम ड्रम को सेट करते हैं। तो देखिए ये रहा ड्रम और इसमें देखिए तीन होल है ताकि ये जो शाफ्ट है बाहर निकले। देखिएगा जिसे हम सेट कर चुके हैं। अब ये देखिए छोटा सा बोल्ट है, हम इसे टाइट कर देते हैं इस बोल्ट की हेल्प से। इसे हम टाइट कर रहे हैं। कि हम इस पुली को भी अब सेट करने जा रहे हैं जो पूरी फ्रेम को हम डाल रहे हैं। देखो तो गाइज ये जो फ्रेम है हमने पूरी तरीके से सेट कर चुके हैं। देखिए ये रोटेट हो रहा है। और गाइज अब हम डालने वाले हैं इसके अंदर ये जाली। देखिए देखिए गाइज डाल चुके हैं, अब ये रोटेट करवा रहे हैं तो देखिए रोटेट भी हो रहा है। तो गाइज आइए हम इसे अब चला के दिखाते हैं कि चलने के बाद ये जो नज़ारा है वो दिखने में कैसा लगता है। बंद कर दो। तो देखिए कितना अच्छा से चल रहा है दोस्तों। मेरा क्या, आई थिंक कि मेरा नस नस में एक्सपेरिमेंट है क्योंकि मैं इसी के लिए ही तो पैदा ही हूँ। अगर हम इसमें जाली को डालते हैं दोस्तों और इसमें हम एक्स्ट्रा वाइल वाला चीज़ कोई भी चीज़ हम डालेंगे तो पूरी तरीक़ा से वाइल है जो इसके सराउंडिंग में आ जाएगा, एकदम बिल्कुल पूरी तरीक़ा से ड्राई कर देगा दोस्तों, सुखा देगा चीज़ों को। अगर हम भीगा कपड़ा इसमें डालेंगे तो वो भी सूख जाएगा दोस्तों। देखिए कितना हाई आरपीएम पे रोटेट हो रहा है। देखिए अब हम इसे जाली के साथ रोटेट करवा के दिखाते हैं कि फिर क्या होता है, अच्छी तरीक़ा से रोटेट करता है कि नहीं। तो गाइस बहुत ही अच्छी तरीक़ा से रोटेट कर रहा है और सफल भी हो चुका है, दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है दोस्तों। देखिए ये 1400 आरपीएम पे रोटेट कर रहा है, स्पीड भी बहुत ही काफ़ी है दोस्तों। ओ माई गॉड कितनी अच्छी तरीक़ा से रोटेट कर रहा है, बहुत ही अच्छा बना है दोस्तों। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो गाइज आज के लिए इतना ही। जय हिंद जय भारत।